إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. तमाम तरह की तारीफ़ हम्द सना बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया और इस दुनिया में हमारी और आपकी फ़िक्र करने वाला एक ऐसा जोड़ा बनाया कि जिसके एहसान का बदला अगर हम चुकाना चाहें तो पूरी ज़िंदगी उसी के पीछे अगर लग जाएं 100% में से 1% भी उसको हम नहीं चुका सकते। मैं बात कर रहा हूं माँ बाप की। अल्लाह ताला ने वालदेन को हमारे लिए एक ऐसी नेमत बनाया है और उनके हमारे ऊपर इतने एहसानात होते हैं, ख़ास तौर से माँ के एहसानात की अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान ये सोचे कि मैं अपने माँ का हक अदा कर सकूँ या अपने बाप का मैं हक अदा कर सकूँ तो ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर हम आज अपने समाज और सोसाइटी को देखते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि शायद इसके सामने माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कुरान की कोई आयत नहीं पहुँची है। शायद इसके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस नहीं पहुंची है कि उनका मकाम, उनका रुतबा कितना ज़्यादा ऊंचा है। आज मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में यही बात वाज़े करना चाहता हूं, ताकि अगर हमारे अंदर कहीं इस मामले में कोई कोताही है, हमारे माँ बाप अगर ज़िंदा हैं या माँ बाप में से सिर्फ माँ ज़िंदा है या सिर्फ बाप ज़िंदा है, तो उसकी कदर हम कर सकें। वरना याद रखिए कि इसका अंजाम बहुत भयानक है। मैं आपके सामने सारी चीज़ें बयान करूंगा। सबसे पहले सूरह नसा की आयत नंबर 36 हम ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअबुदु अल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया वबिल वालिदैन इहसाना। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न बनाओ, किसी और को न जोड़ो। यहां अल्लाह अपनी इबादत का जिक्र कर रहा है, अल्लाह अपनी तौहीद बता रहा है। उसके फौरन बाद अल्लाह ने फरमाया वबिलवालिदैनि इहसाना, और ये तुम्हारे जो वालदेन हैं, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में नजर आते हैं, इनके साथ तुम हमेशा हुस्ने सुलूक करते रहना। इनके साथ जब भी कोई मामला आए तो बड़ी आसानी के साथ मामला करना। ये कुरान मजीद सूरह नसा आयत नंबर 36 बता रहे हैं। और चलिए हम सूरह इसरा में आयत नंबर 23 और 24 को ले लेते हैं। उसके अंदर अल्लाह अकबर ऐसी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है के बाद ये लगता है कि वाकई ये बातें तो सिर्फ हमारा रब ही कर सकता है। वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, उसके इबादत में किसी को शरीक न बनाना। इस आयत करीमा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तौहीद का जिक्र करने के बाद फौरन वालदेन का जिक्र कर रहा है वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करते रहना। सूरह नसा आयत नंबर 36 में भी यही चीज मिलती है। अल्लाह ने अपनी तौहीद को बताने के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र कर दिया, उनके साथ अच्छे आसानी के साथ पेश आना, हुस्ने सुलूक उनके साथ करना। यहां भी सूरह इसरा नंबर 23-24 है,
यहां भी अल्लाह ताला ये बता रहा है कि तुम मेरी इबादत में किसी को शरीक न बनाना। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, और तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना। आई अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ डिटेल बताता है इसके बारे में, कुछ विस्तार बता रहा है, तफसील कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है, क्या क्या सिचुएशन तुम्हारे सामने माँ बाप के बारे में आ सकते हैं, सारी चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में जिक्र कर डाला है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो जो अपने माँ बाप के बेटे हो, जो उनके औलाद हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे वालदेन में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, जरा तरतीब देखिएगा, अल्लाह फरमाता है अगर तुम जवान हो, तुम रुपया पैसा कमाते हो, तुम घर के गार्जियन बन चुके हो, और तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को रह जाए, यानी या तो माँ बचे या सिर्फ बाप बचे, एक का इंतकाल हो जाए दूसरा तुम्हारे पास बचे, औ किलाहुमा या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी या तो पहली सिचुएशन यह है कि दोनों में से एक बचे एक इंतकाल कर जाए, या दोनों जिंदा रहे तुम्हारे पास, अगर दोनों को पा जाओ बुढ़ापे की उम्र में तब क्या करना है। फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा, ऐ मेरे बंदो तुम कभी भी अपनी जबान से उनके लिए अपनी जबान से लफ्ज उफ तक ना निकालना, यानी किसी भी तरीके से तुम्हारी जबान से ऐसे अल्फाज ना निकले जो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के दिल में ठेस पहुंचाने वाले हैं। उफ जानते हैं ना, जैसे एक ऐसे समझ लीजिए कि बेटा है अभी जवान है और लेकर के बाइक घर से जाना चाह रहा है, बड़ी तेजी के साथ चलाता बाइक गाड़ी हाईवे पे, माँ परेशान रहती है, बेटा देखो जरा आराम से जाना, बेटा देखो बाइक बहुत तेज मत दौड़ाना, आराम से होता ना माँ की फितरत, तो बेटा ओ क्या माँ तुम भी, ये जो लफ्ज आपकी जबान से निकल रहा है ना यही लफ्ज उफ है, एक नागवारी के अल्फाज जो आपके मुंह से आपकी माँ के बारे में आपके बारे में निकल जाए क्या फिर वही बात, तो ये लफ्ज यही उफ कहलाता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम उनके सामने ऐसे जुमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोचो जब इतना कहने की इजाजत नहीं है तो गाली गुलूज और मार झगड़ा और उनके साथ लड़ाई करना और बंटवारा करके अपनी बीवी को लेकर के दूसरी जगह चले जाना, माँ बाप को दूसरी जगह छोड़ देना, इसकी इस्लाम इजाजत कैसे दे सकता है। बारीकी बताऊं, अल्लाह फरमाता है इन दकल के बरा, अगर दोनों बुढ़ापे की उम्र में, बहुत ज्यादा बारीकी बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा, अगर तुम्हारे पास दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, यहां पर लफ्ज इंदा जो है ना ये बड़ी कमाल की चीज है, इंदा का मतलब होता है पास, तुम्हारे पास, अब अगर कोई जगत्याल का रहने वाला है वो चला गया हैदराबाद महाराष्ट्र गुजरात अपने माँ बाप को छोड़ करके वहां कमाने चला गया, तो क्या अभी वो उनके पास माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, अब तो उनके पास नहीं है ना, अब तो माँ बाप आपके यहां रह रहे हैं, आप हैदराबाद चले गए, समझ रहे हैं ना, तो क्या ऐसी सूरत में भी वो आपके पास माने जाएंगे, या जब आप चल करके जगत्याल आएंगे तभी आपको उनके साथ अच्छा सलूक करना है। फरमाया नहीं, इन दगा तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ हर हाल में वो तुम्हारे पास माने जाएंगे और उनके साथ अच्छा सलूक तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा एक नुक्ता यह है कि अल्लाह ने पहले किसी एक का जिक्र क्यों किया है उसके बाद कहा कि दोनों, यानी अगर किसी एक का इंतकाल हो जाए मां बाप में से, एक तुम्हारे पास बचे बुढ़ापे की उम्र के, तो उनका ज्यादा ख्याल करना है, जानते हैं क्यों, पहले ये नहीं कहा कि दोनों, दोनों का बाद में जिक्र किया, अगर पहले एक पहुंचता है तो आप इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि आप उनकी देखरेख और ज्यादा करें, रीजन जान के आप हैरान रह जाएंगे, ये कुरान करीम की तालीम है, इसलिए कि जब दोनों जिंदा होते हैं दुनिया में ना, तो अगर बेटा उतना केयर ना भी करे, उतना ध्यान ख्याल ना रखे, तब भी आप देखेंगे कि बूढ़े बूढ़े आपस में बैठे कुछ ना कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं, देख रहे हैं, आपस में कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, आप सोचेंगे ये बुढ़े बूढ़े आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो अपना बोझ हल्का करते हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं, उनके दिल का दर्द एक दूसरे को समझते हैं, उनका बोझ हल्का हो जाता है, आपस में गम शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है, सिर्फ मां बची या सिर्फ बाप आपके पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंचा है, अभी तक वो अपने साथ रहने वाले आदमी के साथ अपने गम को शेयर कर लिया करते थे, लेकिन अब वो अकेले हो चुके हैं, इस वक्त आपकी उनको और ज्यादा जरूरत है, यानी अब वो अपना गम कहीं और नहीं बांट सकते, ऐसे मौके पर आपको ज्यादा ख्याल करना है, दोनों रहेंगे तो आपस में कुछ गम बांट देंगे, अकेले बचेंगे कोई एक तो ऐसे मौके पर आप ही उनका गम बांट सकते हैं। फरमाया अगर एक ही तुम्हारे पास बचे तब ज्यादा ख्याल करना, और दोनों बचे तब भी ख्याल करना।
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ان کو تم کبھی ڈانٹ نہیں سکتے. آج ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عام چیز ہے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی تمہارے زبان سے کوئی لفظ نکلے ان کے لیے بہت ہی پیار بھری اور اچھی اچھی باتیں ان کے سامنے کیا کرو, درست باتیں کیا کرو. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور تم نرمی کے ساتھ اپنے رحمت کے بازو کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا. آج ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو جاتا ہے جب اسے دین کا علم نہیں ہوتا ہے. ان کو تماچے تک مارتے ہوئے دیکھا گیا, ان کو ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہوئے دیکھا گیا. اللہ فرماتا ہے ایسا رحم کرنا تم ان کے ساتھ کہ اس کی مثال بن جائے, ان کے ساتھ کبھی کسی بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے ماں باپ آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کے اوپر تو رحم و کرم کرتے رہنا, اپنی رحمتیں تو نازل کرتے رہنا. کما ربیانی صغیرا, جس طریقے سے ان دونوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہوا ہے. بچپن کا لفظ صغیرا لا کر کے کمال ہو گیا ہے, بچپن میں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا تھا ایسے تو آج ان کے ساتھ رحم کرنا. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے, ایک ایک لفظ میں قرآن کا معجزہ چھپا ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے اسے تو اتنا بے شعور نہیں ہوتا ہے, ہمیں بھوک لگی ہے تو کیا کرنا چاہیے, بھوک لگتی ہے بچہ رونے لگتا ہے, ماں اس کی سمجھ جاتی ہے. کسی اور وجہ سے بچہ روتا ہے, ماں اس کی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا یہ لال کس وجہ سے رو رہا ہے, کہیں سر میں درد ہوگا, پیٹ میں درد ہوگا, بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کی ماں آپ کو اتنا زیادہ سمجھا کرتی ہے, لیکن یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے کسی معاملے میں کوئی بات آتی ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تم اس بات کو نہیں سمجھو گی. سنا نا کہتے ہوئے, ماں تم نہیں سمجھو گی. جو ماں آپ کے رونے کے انداز کو سن کر کے سمجھ جایا کرتی تھی آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں, آج آپ کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے نا اس ماں کے لیے کہ ماں یہ سب تم نہیں سمجھو گی تو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ماں ہے, اور ماں کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اونچا کر دیا. اللہ اکبر, باپ کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن ماں کا رتبہ جب آیا تو ماں کا رتبہ اور زیادہ بلند کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین, یہ دو آیتیں ہو گئی. اسی طریقے سے سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا وَوَضَعَتْهُ وَهَنًا وَفِصَالُهُ. سورہ احقاف آیت نمبر 15, اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اس نے سلوک کرتے رہے. یہاں پہ دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے لیکن بعد میں اللہ رب العالمین پھر ماں کا ذکر الگ سے کر رہا ہے, کیونکہ جو مقام ماں کا ہے باپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر ایک چیز, ایک فرق اگر دیکھ لیا جائے کہ بچے کو پیدا کرتے وقت اسے جو تکلیف ہوتی ہے نا, جو پیٹ میں پالتی ہے نا, اسی ایک تکلیف کو رکھ لیا جائے تو باپ سے کہیں گنا اس کا مقام بڑھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے حملته امه وهنا, اس کی ماں جب اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, یہ پیٹ میں رکھنا اس ماں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوا کرتا ہے, اس کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا ہے. دیکھ لو, ایک ماں جب حملہ ہو جاتی ہے, اس جب پریگننٹ ہوتی ہے تو 9 مہینے تک دنیا بھر کے چوچلے اور دنیا بھر کے جھمیلے اس کو جھیلنے پڑتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہیں, تم کو یہ نہیں کھانا ہے تو تم کو ایسے نہیں لیٹنا ہے, تم کو پیٹ کے بل نہیں لیٹنا ہے, تو تم کو زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی ہے, تم کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا ہے, اور خوشی خوشی وہ ماں اپنے اس لال کے لیے سارے بوجھ برداشت کرتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے. حملت ہوں, اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پیٹ میں رکھتی ہے تو پریشانی کی حالت میں رکھتی ہے. قرآن نے 1450 سال پہلے اس کا اعلان کیا تھا اور آج تک وہ قانون ابھی باقی ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے تکلیف تھی, اب تو کوئی تکلیف نہیں, پریشانی ہے اور ہمیشہ اس ماں کے لیے پریشانی کا سبب وہ بیٹا بنتا رہے گا پیٹ میں. وَبَزَعَتْ وَهَنَا, یہ تو پیٹ میں رکھنے کی بات ہو گئی, اور جب اس کی ماں اس کو دنیا میں جنتی ہے, پیدا کرتی ہے, جب اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ماں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا کرتی ہے, بہت زیادہ تکلیف. یہاں تک کہ اگر کہیں آپریشن وغیرہ کی نوبت آ جائے تو آپ سے باقاعدہ سگنیچر لے لیا جاتا ہے ہاسپٹل میں. لیتے کہ نہیں لیتے, آپ سے دستخط کیوں لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپریشن ہونے جا رہا ہے, اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نکالنا ہے, اور اس آپریشن میں اس ماں کا, اس لڑکی کا انتقال ہو سکتا ہے, ڈیتھ بھی کر سکتی ہے. سگنیچر کرو تو تیار ہے, ورنہ لے کر کے جا سکتے ہو.
माँ को मालूम है कि क्या होने वाला है, साइन की जा रही है, किसी घर के गार्जियन से किसी सदस्य से साइन ली जाती है, ये इस बात की गारंटी होती है कि अगर इससे कुछ हो जाता है तो हम इसके जिम्मेदार हैं, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। उस माँ को मालूम है, खुशी खुशी अल्लाह की कसम बेड पर लेट करके ऑपरेशन करा करके अपने बेटे को जन्म देने वाली हस्ती वो माँ हुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया जब उसको जनती है दुनिया में उस वक्त भी बहुत ज्यादा तकलीफ उठाया करती है। वजात हुआ, एक आदमी ने एक बार सोचा कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर दूँ। माँ का हक अदा अपनी पीठ पे लाद दिया और ले जा करके हज कराने लगा, तवाफ करा रहा था खाने काबा का, एक चक्कर कराया, दो तीन चार तवाफ कराए जा रहा है, और इसी बीच में उसने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। सोचा कि अच्छा मौका है, लाओ एक मसला पूछ लेता हूँ। हजरत उमर फारूक के पास वो आदमी जाता है, जाने के बाद कहने लगा ये मेरी पीठ पे जो औरत जिसको मैंने लादा हुआ है ये मेरी बूढ़ी माँ है, इसके हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, पैर भी इसके काम नहीं करते हैं, ये अपने हाथ से खाना अपने मुंह में ले जाने की ताकत नहीं रखती है, और इसके सारे के सारे दांत झड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अपने मुंह से लुकमा नहीं चबा पाती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं लुकमा अपने मुंह में चबाता हूँ, वहां से निकाल करके इसके मुंह में डालता हूँ, उसको निकल जाती है। अमीरुल मोमिनीन, इसके हाथ पैर नहीं काम करते हैं, बिस्तर पर वो लेटरिन पेशाब और पैखाना कर देती है, मैं उसको अपने हाथ से साफ कर दिया करता हूँ, इसकी बहुत ज्यादा खिदमत करता हूँ। और ऐ अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने ये सोचा कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर देता हूँ, मैंने अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद कर आज हज कराने का इरादा भी कर लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर दूँ। अभी तवाफ करा रहा हूँ, अभी जा करके सही भी करेंगे सफा मरवा के बीच में। तो अमीरुल मोमिनीन, ये बताइए कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं? क्या सवाल है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया या नहीं किया इतना कुछ करने के बाद? हजरत उमर फारूक ने कहा कि नहीं, अभी तुमने हक अदा नहीं किया है। उस आदमी ने ताज्जुब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन अभी मैं अपनी माँ की कितनी खिदमत करूं, कितना करूं तब जा करके उसका हक अदा कर सकता हूं? हजरत उमर फारूक ने जवाब दे दिया, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तू कितनी खिदमत करके उसका हक अदा कर सकता है, हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब तू अपनी माँ की पेट से निकल रहा था, पैदा हो रहा था, उस वक्त दर्द की वजह से, दर्द यानी बच्चे को पैदा करते वक्त जो तकलीफ माँ को हुआ करती है, तकलीफ की वजह से तेरी माँ की जबान से जो आह के पहले अल्फाज निकले थे, अभी तूने उस लफ्ज आह का भी हक अदा नहीं किया है। ये है माँ, और चले है पूरी जिंदगी का कर्ज चुकाने। पहली तकलीफ और पहली बार जो उसके मुंह से आवाज निकली थी तकलीफ की वजह से, आह के अल्फाज निकले थे, अभी तूने उस लफ्ज से आह का भी हक अदा नहीं किया है। ये माँ का मकाम है। और सही बुखारी और मुस्लिम के हदीस से एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मन अहक्कु नासि बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्ने सुलूक का, अच्छे सुलूक का, अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा मुस्तहिक, सबसे ज्यादा हकदार कौन है, किसके साथ सबसे अच्छे से पेश आऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मुका, तेरी माँ है। उसने कहा, अल्लाह के नबी फिर कौन? आपने फरमाया, फिर तेरी माँ है। तीसरी बार सवाल किया, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। चौथी बार सवाल किया, आपने फरमाया, अबू का, तेरा बाप है। यानी तीन तीन बार अल्लाह के नबी ने माँ का नाम लिया कि सबसे पहले माँ तेरे, उसने सुलूक का हकदार है, तेरी माँ है, तेरी माँ है। चौथी बार आपने फरमाया कि तेरा बाप है, इसलिए कि माँ जो तकलीफ बर्दाश्त करती है उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक बाप करता बहुत कुछ अपने बाप के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं, लेकिन एक माँ जो तकलीफ बर्दाश्त करती है, एक बाप उसका तसव्वुर तक अपने जहन में नहीं ला सकता है, इसलिए माँ का मकाम ऊंचा है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी मुस्लिम की यह भी हदीस है, एक बार गए अल्लाह के नबी के पास और सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, सबसे बेहतरीन अमाल कौन से हैं जिसको मैं करूँ अल्लाह को खुश करने के लिए, सबसे अच्छे अमाल अल्लाह को कौन से पसंद है? अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया, अस्सलात वला वक्त, या नमाज को उसके वक्त में कायम करना है सबसे अच्छा अमल है। सवाल करते अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा बेहतर है? अल्लाह के नबी दूसरी मरतबा जवाब देते हैं, थुम्मा बिर्रुल वालिदैन, फिर पेरेंट्स के साथ अच्छा सुलूक करना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, यह सबसे अच्छा अमल है। तीसरी बार सवाल करते अल्लाह के नबी, उसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा बेहतर है? जवाब मिलता है, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना सबसे बेहतरीन अमल है। यानी माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा अल्लाह के नबी ने किया है कि सवाल हो रहा है कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है, उसमें जवाब मिलता है कि वालिदैन के साथ अच्छे से पेश आना, हुस्ने सुलूक करना। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और सवाल किया, ये सही मुस्लिम के हदीस है, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, मैं जिहाद में चलूंगा,
और इसी तरीके से आपके साथ में हिजरत करूंगा, मैं इस बात पर बयात करना चाहता हूं और इस पर सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह ताला से बदला चाहता हूं, बस अल्लाह से मैं बदला चाहता हूं इस पर। अल्लाह के लिए सवाल कर लिए, फहल मिन वालिदै का अहदुन हय्युन, तेरे वालदेन में से माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा अल्लाह के नबी दोनों जिंदा है। अल्लाह के नबी ने सवाल कर लिया दोबारा, फतबतगिल अजर मिन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब चाहते हो, अजर सवाब बदला चाहते हो? कहने लगे हाँ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब चाहता हूं इस पर। अल्लाह के नबी ने जवाब दे दिया, फरजी इला वालिदैका फहसिन सुहबतहुमा। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ हिजरत कर करके अपने घर बार को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारे घर में मौजूद है, उनके साथ अच्छा सुलूक करना, उनके साथ उसने सुलूक करो, यही तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदला दिलवाएंगे। यह है माँ बाप का मकाम। हजरत जाहमा रजी अल्लाह तआला ने साहबी थे, वो अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं जिहाद करना चाहता हूँ और आपसे मशवरा लेने आया हूँ कि मैं जिहाद में जाऊँ कि ना जाऊँ। ये हदीसे बयान करके मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ कि आज का नौजवान जो माँ बाप को इतनी हकारत की नज़रों से देखता है उनका मकाम कितना ऊँचा है। अल्लाह के नबी, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि तेरी माँ जिंदा है? बोले हाँ जिंदा है। आपने फरमाया फलज़महा फइन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा। नसाई की रवायत है, आपने फरमाया जाओ अपनी माँ की खिदमत करो क्योंकि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे हुआ करती है। ये माँ का मकाम है। और ये बात याद रखिए कि अगर वालदेन का मकाम है तो उनकी खिदमत करने की वजह से इंसान के बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो जाते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह के नबी ने बताया कि उसकी वजह से माफ हो जाते हैं। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और मैं चाहता हूं कि इसकी तौबा करूं, तो क्या अल्लाह के यहां तौबा का कोई रास्ता है माफी का? अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि कौन सा गुनाह किया है, सवाल क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह किया है तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अल्लाह के नबी ने यह सवाल नहीं किया कि कौन सा गुनाह है, क्या मैटर है, कुछ नहीं। आपने सवाल किया तेरी माँ जिंदा है, सवाल क्या हो रहा है और अल्लाह के नबी क्या पूछ रहे हैं मालूम है? उसने कहा अल्लाह के नबी, नहीं माँ तो नहीं जिंदा है। आपने फरमाया कि तेरी खाला जिंदा है, माँ की बहन, माँ की बहन को खाला बोलते हैं ना, तेरी खाला जिंदा है? कहने लगा हाँ अल्लाह के नबी, वो तो जिंदा है। आपने फरमाया कि जाओ अपनी खाला के साथ हुस्न सुलूक करो, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये इस्लाम की तारीफ। इस इस्लाम ने माँ का मकाम इतना ऊंचा, इतना बुलंद कर दिया है कि दुनिया के किसी धर्म के अंदर आपको माँ का ये रुतबा और ये मकाम नहीं मिल सकता है। और अगर कोई इंसान माँ के साथ बदतमीजी से पेश आता है, माँ के साथ अगर कोई बदसलूकी करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसे आदमी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की नजर नहीं पड़ेगी और ये आदमी जन्नत में दाखिल हो सकता है। आप वो हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासतुन ला यनज़ुरु अल्लाह इलैहिम, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की नजर नहीं करेगा। अल आकू लिवालिदैह, उसमें सबसे पहला आदमी वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, दुनिया में उनके साथ गलत व्यवहार और गलत सुलूक किया करता था। व मुदमिनुल खमरी, दूसरा आदमी जो दुनिया में शराब नोशी किया करता है, शराब पीने का आदी है, ऐसा आदमी वो होगा जिसके ऊपर अल्लाह अपनी रहमत की नजर दुनिया में कयामत के दिन नहीं करेगा। और तीसरा आदमी वल मन्नान, एहसान करके किसी को एहसान जताने वाला, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेगा। इसमें किसका जिक्र हुआ? अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखेगा, सबसे पहले माँ बाप के नाफरमान का। इसी हदीस के आगे के अल्फाज हैं वसलासतुन ला यदखुलून अल जन्ना, तीन किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी जन्नत के अंदर नहीं दाखिल हो सकते हैं। ला यदखुलून अल जन्ना, वो जन्नत में ना दाखिल होंगे। अल आकू लिवालिदैहि, जो आदमी अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला दुनिया में था, यानी अपने वालदेन के साथ माँ बाप के साथ दुनिया में गलत सुलूक किया करता था, ये आदमी जन्नत में ना जाएगा। वद्दयूस, और दयूस आदमी, दयूस किसको कहते हैं? ऐसा आदमी जिस आदमी के घर में कोई बुराई होती हो, कोई गलत काम होता हो, वो जिना करता हो, अपने घर में किसी को देखे उससे रोके ना, मना ना करे, ऐसा आदमी कभी भी जन्नत में ना जाएगा। और तीसरे आदमी के बारे में बताया वर रजीला, रजीला किसको कहते मालूम है? ऐसी औरत जो वजा कता लिबास और तन ढन चलने के एतबार से मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करने वाली हो, यानी अपने आप को मर्दों जैसा बना करके चलने वाली औरत, ये भी जन्नत में नहीं जाएगी, ये अल्लाह के नबी कहने से। और ऐसा आदमी जो माँ बाप के साथ
نافرمانی کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. غور کیجئے گا, جس کے بارے میں نبی بد دعا کر دیں ایسے آدمی سے بد نصیب اور بدبخت آدمی کون ہوگا. فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آ گئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو یا دونوں کو پا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے اور مر جائے, جہنم میں چلا جائے, ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے. اے محمد آپ کہیے آمین. حضرت جبریل اللہ کے نبی سے کہلوا رہے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا. اور ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کو پائے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے, جنت نہ خرید سکے, ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کرے. کہیے آمین. میں نے اس پر بھی کہا آمین. حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیے آمین. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو قبول کر, ایسے آدمی کو جنت میں داخل نہ کرنا. اور تیسرا آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے, آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ بھیجے, ایسا آدمی مر جائے اور اگر جہنم میں چلا جائے, اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے. آپ کہیے آمین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر بھی آمین کہا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کم سے کم 5-6 حدیثیں پیش کی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کا مقام کتنا ہے, اور 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اور ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ماں باپ کا مقام اتنا اونچا بیان کیا گیا ہے, اتنا اونچا اللہ نے ان کا مقام کر دیا ہے کہ پوری زندگی مل کر ایک گھنٹہ اپنا آپ پوری زندگی کا ان کی خدمت میں لگا دے, ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں لگا دے, اللہ کی قسم آپ ان کا حق پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے ہیں. پھر غور کریں آج کی جو نوجوان نسل ہے, شادی ہوتے ہی اپنے ماں باپ سے جو سوال پہلا ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, ہوتا ہے نا سوال. اللہ کی قسم اس وقت جب ایک ماں باپ اپنے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے. جی ہاں, آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی. وہ باپ نہ برسات کے موسم دیکھتا تھا, نہ ٹھنڈک کا موسم دیکھتا تھا, نہ گرمی کا, چلچلاتی دھوپ میں کمانے کے لیے نکل جاتا تھا صرف اپنے لال کے لیے. آج یہ اولاد اپنے بیٹے سے بڑی آسانی سے سوال کر لیتی ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. اپنی ماں سے سوال کرنے والوں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, اللہ کی قسم 9 مہینے پورے آپ کو آپ کی ماں نے آپ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تکلیف برداشت کی ہے. دنیا بھر کے جھمیلے اس نے جھیلے ہیں تو صرف آپ کے لیے کہ پیٹ میں میرا لال پڑ رہا ہے, کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اگر اس نے تکلیف برداشت کی ہے پیدائش کے وقت اور کہیں اس کا آپریشن ہوا ہے آپ کی وجہ سے, تو اللہ کی قسم اس کے جان کو بھی خطرہ تھا, لیکن جان کے خطرے میں اپنے آپ کو ڈال کر آپ کو دنیا میں جنم دینے والی ہستی وہ ماں کی ہستی ہے. آپ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو یہ الفاظ آپ کی زبان سے شوبھا نہیں دیتے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کلام کو پڑھیں, نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو سنیں سمجھیں, اور ماں باپ کے مقام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب تک ہمیں وہ میسر ہوں بڑھاپے کی عمر میں, جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو دنیا میں خرید سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر, والله يعلم